सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मदद करने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती, सच्चे मन की भी आवश्यकता होती है। समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। सबसे मुश्किल रास्ता वह होता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वही रास्ता आपको मजबूत भी बनाता है। आज का पंचांग 25 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 9:40 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 4:21 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:30 से 5:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:51 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मेष राशि 25 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार। कोई नुकसान या वियोग आपकी परेशानी की वजह है जो आप महसूस कर रहे हैं, उसे करने के लिए समय निकालें, आराम करें और चीजों के बारे में सोचें। एकांत के लिए यह अच्छा समय है जिसे आप उन प्रियजनों के साथ बिताएं जो समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आज नए संबंध बनाने और व्यस्त रहने का योग है। आपके प्रियजन आपके रचनात्मक पहलू के बारे में जानेंगे और तारीफ करेंगे। ध्यान रखें कि आपकी बातों से किसी को ठेस न लगे, क्योंकि अच्छी बातें अधिक कीमत और कम लागत की होती है, जबकि बुरी बातों की कीमत 1 पैसा होती है और इनका मोल बहुत अधिक होता है। इस समय आपके जीवन में अजीब सी घटनाएं हो रही है, जिससे भी आप मिलते हैं आपके मन में उसी के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो जाती है। विशेषतः विपरीत लिंग को आप बहुत आकर्षित करेंगे, साथ ही आप उस काम के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए घर और कार्यस्थल पर करना है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें। आज मुमकिन है कि आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो, लेकिन अपने सूझबूझ से आप हानि को भी मुनाफे में बदल सकती हैं। आप परिचितों से व्यक्तिगत बातों को बांटने से बचें। आज आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। ज्यादा चिंता न करें हर चीज समय के साथ बदलती है और इसलिए आपके रोमांटिक जिंदगी में भी बदलाव आएगा। आज अनुभवी लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है। आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की अनबन रुक सकती है, इसीलिए वाद विवाद की हालात में पुराने दिनों की यादों को ताजा करना ना भूलें। सकारात्मक लोगों के साथ इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। नौकरी और बिजनेस के रुके कामों में तेजी आएगी। आपकी जो बातें तकलीफ दे रही है उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी भी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत करके परिस्थिति को सुलझाना संभव हो सकता है। जिन लोगों के साथ अभी तक आप जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके और आपके रास्ते अलग हो सकती हैं। फिलहाल कुछ बातें मानसिक तकलीफ का कारण बन सकती है, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य खुद के लिए क्या बेहतर है, केवल उसका चुनाव सोच समझ कर करें। रुचि कम होने से आसान काम भी पूरा करने में तकलीफ हो सकती है। रिलेशनशिप संबंधित बातें जटिल बनती हुई नजर आ रही है। सेहत ठीक रहेगी, वजन को नियंत्रण में रखें। सावधानियां, नए संपर्क बनाने से पहले लोगों को ठीक से समझना जरूरी है। स्वार्थी दोस्तों से दूर रहें, उनकी गलत सलाह आपको लक्ष्य से भटका सकती है, जिससे मायूसी रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य संबंधों में मजबूती रहेगी। प्रेम संबंधों में गलतफहमी का असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। प्यार में धोखा आपको तन्हाई या अकेलेपन की खाई की तरफ धकेल सकता है,
लेकिन याद रखें कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। रोमांस के सपनों को पूरा करने के लिए भी यह चरण अच्छा है। बस अपने साथी को अपने प्यार का एहसास कराना ना भूलें। आज आपके कुछ ऐसे दोस्त बनने वाले हैं जो जिंदगी भर आपका साथ देंगे। कामों में व्यस्तता के कारण आज आपको प्यार का समय थोड़ा कम मिलेगा अपने लव वन या अपने लव वन का। आज खास ध्यान रखें क्योंकि यह रिश्ता शीशे की तरह होता है और जरा सा ठेस लगने से टूट सकता है। आपकी पुरानी साथी नई बनने की कोशिश कर रही है, आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए और दूरियों को कम करने की उनकी कोशिश आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए और दूरियों को दूर करने के लिए उनकी कोशिशों की भी कद्र करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करते समय उन्हें यह भी तो महसूस करा ही दे कि जो गलतियां वे पीछे कर चुके हैं आप उन्हें जानते हैं और वे दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। बात करते हैं करियर की। एक परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आने का संकेत दे रहा है। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं या अपने कार्यालय में एक से दूसरे विभाग में आपका स्थानांतरण हो सकता है। यह ऐसी स्थिति होगी जिसको आप पसंद करेंगे और इन संभावनाओं का आप लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे, इसलिए आपको इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने की जरूरत है ताकि आपका करियर उचित दिशा में चलता रहे। किसी विदेशी के साथ दीर्घकालीन निवेश या खरीद बिक्री से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी आपको ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे आपके काम या उत्पाद को दुनिया भर में पहचान मिले। व्यापारिक दुनिया में समय ही धन है, इसलिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई तकनीकों को बनाना आपके और आपके संगठन दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके सितारे नई सहभागिता और नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे हैं। दृढ़ता और विनम्रता तो ऐसे गुण हैं जिन पर आपको अड़िग रहना चाहिए। नौकरी और बिजनेस की छोटी सी बात को गंभीरता से समझना जरूरी है। बिजनेस के कागज संभाल कर रखें, किसी के भी हाथ में ना दें। सामाजिक सीमाएं भी बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व तो बेहतर हो सकता है। यदि कोई कोर्ट केस संबंधित है, यदि कोई कोर्ट केस लंबित है तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। खरीदारी का अच्छा समय है। आर्थिक पक्ष स्वस्थ रहने के लिए अपने खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कुछ लोग आपकी सफलता से जलकर आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए सावधान रहें। बात करते हैं सेहत की। योग और मेडिटेशन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, इससे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। आज आपको खांसी और जुकाम भी हो सकता है, अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने हाथ खाने से पहले खासकर और वैसे भी कई बार धोएं। अगर संभव हो तो आज आराम करें जिससे आप हो सकने वाली किसी बीमारी की आशंका से बच सकें। नियमित और गहरी नींद लेना ना भूलें, इससे आपको स्वस्थ रहने में काफी मदद मिलेगी। आज का उपाय, आज हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।